अगली बड़ी खबर बरेली से है। बसपा उम्मीदवार छोटेलाल गंगवार का पर्चा खारिज हो गया। नए समीकरण से मुकाबला अब और भी रोचक होगा। अधूरे भरे नामांकन पत्र के चलते गंगवार मैदान से बाहर हो गए। नए समीकरण में बीजेपी और सपा की अब सीधी टक्कर होगी। वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए दोनों ही दल पूरी तरह से जुटे हैं और पूरा दबदबा लगा रहे हैं। बड़ी खबर है बरेली से। यहां पर बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार छोटेलाल गंगवार का पर्चा निरस्त हो गया है और अब यहां पर मुकाबला सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच हो गया है। बरेली लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला जो बन चुका था अब त्रिकोणीय ना रह के केवल समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच होगा, क्योंकि कमियों के चलते चुनाव आयोग ने उम्मीदवार छोटेलाल गंगवार का नामांकन पत्र खारिज कर दिया है। अधूरे भरे नामांकन की वजह से ये नामांकन पत्र बस बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार छोटेलाल गंगवार का खारिज किया गया है। वोट बैंक को साधने के लिए और अपने पाले में करने के लिए बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी पूरा दमखम लगा रही है। अब इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं संवाददाता पवन सिंह। पवन, अब उम्मीदवार छोटेलाल गंगवार का पर्चा खारिज हो गया है बरेली लोकसभा सीट से, बड़ा झटका लगा है बहुजन समाज पार्टी को। जी बिल्कुल, देखिए त्रिषा, बरेली सीट पे इससे पहले भी बसपा ने दाव खेला था। इससे सबसे बड़ी बात है कि 2019 में बसपा को करीब 10% वोट बरेली का मिला था और 2014 की बात करें तो 1,80,000, और वहीं 2009 में बसपा के प्रत्याशी को 2,00,000 वोट मिले थे, जिसको देखा जाए तो आज पर्चा खारिज होने के बाद से आमने सामने दोनों जो मुख्य विपक्षी दल हैं और भाजपा को पूरी तरह से या जो 1,00,000 वोट बसपा का है वो पूरी तरह से हैंडल करने के लिए पूरी कवायद करनी पड़ रही है। सबसे बड़ी बात है छोटेलाल गंगवार जिस तरह से पर्चा भरे थे उसमें सबसे बड़ी बात है, इससे पहले उन्होंने एक विधान परिषद में भी अपना पर्चा दाखिल किया था जिसमें भी उनका पर्चा खारिज हुआ था। तो ऐसा माना जाता है कि इसमें राजनीतिक कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं या समझी बुझी रणनीति हो सकती है जिसको लेकर के इनका पर्चा खारिज हुआ है। वहां कुल टोटल 14 पर्चे सही पाए गए हैं और 14 ही खारिज हुए हैं, जिसमें जो मुख्य दल हैं कांग्रेस और सपा के जो प्रवीण एरन और भारतीय जनता पार्टी के छत्रपाल गंगवार आमने सामने हैं, और यही दो दलों के बीच जो भारत बसपा का जो वोट है 1,00,000 उसी को लेकर के पूरी तरह कवायद हो रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपनी रणनीति बना रखी थी, अगर त्रिकोणात्मक लड़ाई होती तो बहुत सारी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इस समय पर्चा खारिज होने के बाद बरेली सीट पे पूरी तरह से दोनों पार्टियों के लिए पूरा दबाव बना हुआ है और सभी लोग जो बसपा का वोट है उसको अपने पाले में करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। त्रिषा जी बिल्कुल, देखा जाए तो पवन जी यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला था, समीकरणों की तस्वीर अब बदल गई है। मुकाबला और रोचक होने वाला है क्योंकि मुकाबला अब केवल और केवल एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच ही दिखाई देगा मुख्य तौर पर। बिल्कुल त्रिषा, सबसे बड़ी बात है वहां पे जो मुस्लिम वोटर हैं उनके लिए पूरी तरह से पाला साफ हो गया है कि उनको कहां जाना है। इससे पहले अगर बसपा भी सामने होती तो शायद ऐसी स्थितियां ना उत्पन्न होती। अब इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और सपा के जो प्रत्याशी हैं इन दोनों के बीच पूरी तरह से या माहौल बना हुआ है या उहापोह की स्थिति है कि किस तरह से रणनीति तय की जाएगी जो ये बसपा का वोट है उसको अपने पाले में करने के लिए। लेकिन इससे पहले भी जब भी वहां पर बसपा ने अपना पाला छोड़ा है तो वोट का जो परसेंटेज है वो चेंज हुआ है और जो सिनेरियो बदलता है तो वो चूंकि जो मुख्य दल हैं उन्हीं के पाले में जाने की उम्मीद होती है। अब इस समय सबसे बड़ा निर्णायक 1,00,000 वोट जो बसपा का है वो निर्णायक वोट में शामिल होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ करवट कर ले सकता है या जो सपा और कांग्रेस के जो समर्थित कैंडिडेट हैं उनके तरफ। लेकिन अभी पर्चा खारिज होने के बाद से पूरी तरह स्थितियां बदली हुई नजर आ रही हैं। जी चलिए ठीक है, शुक्रिया पवन जी जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।